और जब कभी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात होती है तो बीजेपी के लोग घबरा जाते हैं, कईयों को बेहोशी छा जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इलेक्टोरल की मांग करते हैं, इलेक्ट्रॉल की मांग करते हैं, इतना घबरा जाते हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियों में समाजवादी पार्टी ने अपनी नई चुनावी रणनीति के तहत उम्मीदवारों की एक नवीनतम सूची जारी की, जिसमें जाति संतुलन और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व को महत्व दिया गया है। इस नई सुबह के साथ ही कई प्रश्न उठ खड़े हुए हैं, जैसे क्या यह नई रणनीति सपा को चुनावी जीत दिला पाएगी, क्या जाति संतुलन और समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व वास्तव में मतदाताओं को प्रभावित करेगा, क्या अन्य राजनीतिक दल भी अपनी रणनीति में बदलाव लाएंगे और क्या युवा मतदाताओं और शहरी मतदाताओं की अपेक्षाएं इस चुनाव में पूरी होंगी। इन प्रश्नों के उत्तर आने वाले विश्लेषण में छिपे हुए हैं, जहां हमने सपा की नई चुनावी रणनीति के पीछे के तर्क, इसमें संभावित प्रभाव और इसके द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का विश्लेषण किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूँ आपके साथ तनुषर। आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों की रणनीति तैयार करते हुए समाजवादी पार्टी सपा ने रविवार को उम्मीदवारों की एक नई सूची जारी की है। इस सूची में जाति संतुलन और दलितों व पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देने पर ध्यान दिया गया है। 7 नामों वाली इस नवीनतम सूची में 3 दलित और पिछड़े तथा 1 ब्राह्मण उम्मीदवार है। अखिलेश यादव की पार्टी ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से उम्मीदवार उतारे हैं। यह हालिया घोषणा शुक्रवार को कौशाम्बी और कुशीनगर लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की पार्टी की घोषणा के बाद की गई है। पुष्पेंद्र सरोज को कौशाम्बी के लिए उम्मीदवारी सौंपी गई है, जबकि अजय प्रताप सिंह, जिन्हें पिंटू सेंथावार के नाम से भी जाना जाता है, कुशीनगर में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। पुष्पेंद्र सरोज सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के पुत्र हैं, जो कौशाम्बी जिले की मंझनपुर विधानसभा सीट से। वहीं पिंटू सेंथवार ने पहले 2022 में सपा उम्मीदवार के तौर पर देवरिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। वह अपने दिवंगत पिता जन्मेजय सिंह की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जो भाजपा के पूर्व विधायक थे। कौशाम्बी में पुष्पेंद्र सरोज का मुकाबला वर्तमान भाजपा सांसद विनोद सोनकर से होगा, जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने की कोशिश में। इस तरह कुशीनगर में पिंटू सेंथवार मौजूदा सांसद विजय कुमार दुबे को चुनौती देंगे, जिन्होंने एक बार फिर भाजपा से टिकट हासिल किया। जैसे जैसे राजनीतिक परिदृश्य उम्मीद और प्रतिस्पर्धा से गर्म हो रहा है, समाजवादी पार्टी के रणनीतिक नामांकन आगामी लोकसभा चुनावों में अपनी मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। पार्टी जाति समीकरण के आधार पर उम्मीदवारों को उतार कर अपने पारंपरिक जनाधार को मजबूत करना चाहती है। वहीं कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि पार्टी को युवा मतदाताओं और शहरी मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए अपनी अपील को व्यापक बनाने की आवश्यकता होगी। ये यह भी बताते हैं कि चुनाव में अभी भी काफी समय है और भाजपा और अन्य दल भी अपनी रणनीति के साथ आगे आएंगे। इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कुछ उम्मीदवारों की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और विवाद चुनाव अभियान को प्रभावित कर सकते हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी सपा द्वारा उम्मीदवारों की अपनी नवीनतम सूची जारी करना 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी में इसका एक महत्वपूर्ण कदम है। पार्टी ने जाति संतुलन और पिछड़े वर्गों और दलितों के प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित किया है, जो इसके पारंपरिक जनाधार है। इस रणनीति का उद्देश्य इन समुदायों से वोट हासिल करना है, जो उत्तर प्रदेश में सपा के समर्थकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सपा इस रणनीति के माध्यम से भाजपा को चुनौती देने का प्रयास कर रही है, जो अपने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर जोर देकर ऊंची जाति के हिंदू मतदाताओं तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि सपा को अधिक व्यापक अपील करने की आवश्यकता होगी। उनका कहना है कि पार्टी को युवा मतदाताओं और शहरी मतदाताओं तक पहुंच बनाने की जरूरत है, जो तेजी से चुनावी परिणामों को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ उम्मीदवारों की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और विवाद चुनाव अभियान को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मछली शहर से सपा की उम्मीदवार प्रिया सरोज
जिन पर कथित रूप से शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल होने का आरोप है। कुल मिलाकर सपा की उम्मीदवार सूची उस रणनीति का संकेत देती है जिसका उपयोग पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में करेगी। हालांकि यह रणनीति पर्याप्त होगी या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। चुनाव अभी भी दूर है और यह देखना बाकी है कि भाजपा और अन्य दल क्या रणनीति अपनाते हैं। सपा की उम्मीदवार सूची का चुनावी परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावनाएं हैं। पिछड़े वर्गों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करने से सपा को इन समुदायों के बीच अपने समर्थन को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि पार्टी को अधिक व्यापक अपील करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त कुछ उम्मीदवारों की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और विवाद चुनाव अभियान को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रिया सरोज के खिलाफ आरोप पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कुछ मतदाताओं को अलग थलग कर सकते हैं। कुल मिलाकर सपा की उम्मीदवार सूची उस रणनीति का संकेत देती है जिसका उपयोग पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में करेगी। हालांकि यह रणनीति पर्याप्त होगी या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कॉमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।